शारदीय नवरात्र के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करीब 233 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के 189 विकास कार्यों का शिलान्यास और 114 कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम की मौजूदगी में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर भी हुआ। दरअसल गोरखपुर नगर निगम में परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों महानगर क्षेत्र को सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी विकास कार्यों की सौगात मिली। तो वहीं सीएम योगी ने इस दौरान वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं, बच्चों से भी मिले और बच्चों को गोद में लेकर दुलार करते और चॉकलेट देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वो नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुए। 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए। अकेले गोरखपुर के अंदर ही, महानगर के अंदर ही 500 टन कूड़ा निकल जाता है। अगर हम फिर पिपराई, चोरी चोरा, पीपीगंज, कैंपियरगंज, सहजनवा, उनवाल, गोला, उर्वा बाजार, बढ़लगंज, इन सभी अन्य नगर निकायों को देखेंगे तो इन सभी नगर पंचायतों से भी जो कूड़ा आएगा यह 200-250 टन के आसपास आएगा। मैं शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर गोरखपुर को मिल रहे इतने ढेर सारे उपहार के लिए, चाहे वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए NTPC के साथ MOU का एक कार्यक्रम, सरकारी नगर निगम और सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को के लिए NTPC को धन्यवाद देता हूं, नगर निगम की इस पहल का अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर वासियों को इसका जो लाभ मिलेगा, एक सोलर सिटी के रूप में गोरखपुर की पहचान बनेगी, एक स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देते हुए 234 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की सोच के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बता दें कि नगर निगम की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सहजनवा की सुथरी में ली गई जमीन पर करीब 255 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 500 टन प्रतिदिन की क्षमता का चारकोल प्लांट लगाया जाएगा। चारकोल बनाने के लिए कूड़े की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की जाएगी। परियोजना के लिए मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरहाल इस परियोजना में कूड़े से चारकोल बनाने की विधि को भी गति मिलेगी। इसके लिए NTPC ने पहल की है और सीएम योगी ने नगर निगम की इस पहल का अभिनंदन किया है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।